हजारीबाग के बड़का गांव में रामनवमी में हुए झड़प मामले में गिरफ्तार हुए अमन कुमार के परिजनों से सांसद मनीष जायसवाल और बीजेपी नेता मनीष कश्यप ने मुलाकात की और उनका हाल जाना। पूरे मामले पर उन्होंने कहा कि अमन कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजना गलत है, क्योंकि रामनवमी जुलूस शांतिपूर्ण संपन्न हो गया था। वापस लौटने के क्रम में सुरक्षा कर्मियों के साथ विवाद हुआ और बात बढ़ी। इसके साथ उन्होंने सीओ पर भी आरोप लगाया और कहा कि घटना के वक्त सीओ वहां मौजूद नहीं थे, इस कारण उनका FIR दर्ज कराना गलत है। अमन कुमार अपराधी नहीं है, जेल गया है तो उसको ऐसा नहीं समझ लीजिए कि कोई अपराध करके जेल गया है। धर्म प्रचारक है, अत्याचार के खिलाफ लड़ते हुए जेल गया है और जेल से जब निकलेगा तो भी उसकी उतनी ही सराहना की जाएगी एक सर्कल में जो आज हो रहा है। जुलूस गुजर गया, गुजरने के बाद जब लोग अपना घर जा रहे थे उस समय प्रशासन इंटरवीन करती और मामला खराब होता है। और आप इस बात से भी इस चीज़ को देख सकते हैं कि सीओ जो कि इन्फॉर्मेंट है केस में, सीओ उस समय साइट पे नहीं है, सीओ उस समय घटना स्थल पर उपस्थित नहीं है, लेकिन केस जो है वो सीओ का कार्य इस राज्य में है। उससे हम लोग यही उम्मीद कर सकते हैं कि वो जातिगत तरीके से तुष्टीकरण करेगी, एक वर्ग विशेष को फायदा पहुंचाने का, उनके इशारे पे काम करने का काम करेगी। मैं तो आप ये भी पूछना चाहता हूं कि जब जुलूस निकला उस समय पुलिस प्रशासन कहां था और किस रांची से किसने कि गौ तस्करी का हब बन चुका है चौपारण में, अक्सर जो है गौ तस्कर को पकड़ा जाता है उसके बाद से छोड़ दिया जाता है, तो ये सारे चीजों के खिलाफ अमन कुमार थे। और इससे जो है यहाँ के कुछ धंधा करने वाले लोग को बुरा लग रहा था, कुछ वो प्रशासनिक अधिकारियों को बुरा लग रहा था जो इस धंधे में संलिप्त तो होके। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।